दोस्तों, इस समय पर बहुत सारे लोग सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी रहता है कि कहां पर सेविंग्स अकाउंट खोलना सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट लेकर आया हूं जहां से आपको सबसे बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है, वो भी जीरो बैलेंस में। एक भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा, यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाई मनी। अब फाई मनी क्या है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आज मैं पूरी विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये फाई मनी है क्या। देखिए, फाई मनी अपने आप में कोई बैंक नहीं है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाओगे तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ये कोई बैंक नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर ये बैंक नहीं है तो यहाँ पर हम सेविंग्स अकाउंट क्यों खोलेंगे। अब देखिए, ये जो फाई मनी है ये नियो बैंक के कॉन्सेप्ट पर चलता है। नियो बैंक किसे कहा जाता है? नॉर्मली जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, इनके फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, यानी कि इनके ब्रांचेस होते हैं। आप फिजिकली जा सकते हो और वहां पर सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन जो नियो बैंक्स होते हैं, इनके फिजिकल एड्रेसेस नहीं होते हैं, इनके ब्रांचेस नहीं होते हैं, सब कुछ डिजिटल होता है, यानी कि आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो फाई मनी है, इन्होंने एक प्राइवेट बैंक के साथ टाई अप किया है जिसका नाम है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक RBI के द्वारा गवर्नड है, यानी कि जब भी आप फाई मनी में सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो उसका मतलब आप फेडरल बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो और सारी चीजें RBI के द्वारा गवर्नड है। यानी कि ये जो फाई मनी है, ये फेडरल बैंक और आपके बीच एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मैं जानता हूं आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम फाई मनी के जरिए फेडरल बैंक में ही अपना सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं तो हम डायरेक्टली फेडरल बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट क्यों नहीं खोल देते। जी हाँ, इस टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अब हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने आप सभी को कहा है, फाई मनी ने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया है और यहां पे आपको वीजा का प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, यानी कि डेबिट कार्ड के लिए इन्होंने वीजा के साथ टाई अप किया है। यहां पे आप UPI पेमेंट भी कर सकते हो। देखिए, भारत में जो भी UPI पेमेंट्स होते हैं ये रेगुलेटेड है NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने NPCI के साथ भी टाई अप किया है, यानी कि जब भी यहां पर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, पैसे रखते हो, ये बिल्कुल सेफ है और आपके जो भी पैसे हैं ये 5 लाख तक इंश्योर्ड भी है, यानी कि आपको 5 लाख तक इंश्योरेंस भी मिलती है। अब दोस्तों, चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली चार्जेस में यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम बैलेंस के बारे में। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ये है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यानी कि ₹0 आपको देना पड़ेगा एनुअली मेंटेन करने के लिए, आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट में होता है 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है सेविंग्स अकाउंट में। अब बात करते हैं हम प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में, जो डायरेक्टली आपको मिल जाता है जब भी आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो। तो बेसिकली आपको फ्री पे मिल जाता है। अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो, आपका डेबिट कार्ड अगर खो गया है, तो पहली बार आपको फ्री पे मिल जाता है, दूसरी बार आपको चार्ज लगता है। फाई मनी के डेबिट कार्ड से आप किसी भी ATM में जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप फेडरल बैंक की ATM से जाकर कैश विड्रॉ करते हो तो मंथली कोई भी मिनिमम ट्रांजेक्शन नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो। लेकिन आप फेडरल बैंक के अलावा अगर किसी दूसरे बैंक की ATM से जाकर कैश विड्रॉ करोगे तो 5 बार ही आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ₹20 चार्ज लगेगा। आप इंटरनेशनली भी इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे भी वीजा डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड है, लेकिन वहां पर कुछ चार्जेस लगते हैं। अब ऐसे में अगर आप RTGS करना चाहते हो, NEFT करना चाहते हो या फिर SMS ट्रांजेक्शन अलर्ट चाहते हो, तो ये सब कुछ फ्री पे आपको मिल जाता है। अब सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमें फाई मनी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने आप सभी को कहा है, हम डायरेक्टली फेडरल बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, हम फाई मनी के जरिए क्यों खोलेंगे। देखिए, इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप सभी को मैं समझा रहा हूं। क्रेड क्रेडिट कार्ड बिल्स पेमेंट के लिए होता है। हम डायरेक्टली भी जाकर क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्रेड के जरिए क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रिवार्ड्स मिलते हैं। इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से फाई मनी में भी बहुत सारे फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, वो है स्मार्ट डिपॉजिट। स्मार्ट डिपॉजिट में होता क्या है, मान लो आने वाले समय में फेस्टिव सीजन है, दिवाली में आप कुछ खरीदना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट डिपॉजिट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आप दिवाली का एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो और अपने पैसे धीरे धीरे वहां पर लगा सकते हो। मान लो दिवाली में आपको ₹20,000 का एक फोन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, दिवाली वाले ऑप्शन को क्रिएट करके वहां पर धीरे धीरे ₹100, ₹200, ₹500, ₹1,000 वहां पर डाल सकते हो। जैसे पिगी बैंक होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से बचपन में हमने पिगी बैंक का इस्तेमाल किया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट फीचर होता है जिसे हम स्मार्ट डिपॉजिट कहते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, वो है फाई कॉइन्स। फाई कॉइन्स में होता क्या है, अगर आप फाई मनी में पैसे डिपॉजिट करते हो, धीरे धीरे आपको फाई कॉइन्स मिलते रहते हैं। फाई कॉइन्स की मदद से आप अमेजन, स्विगी या फिर अलग अलग मर्चेंट से खरीदारी कर सकते हो। ये भी इसका एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब तीसरा जो फीचर है वो है FIT, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने लिए एक खुद का रूल बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्विगी से कुछ भी खरीदारी कर रहे हो, अगर आप अमेजन से कुछ भी खरीदारी कर रहे हो, आप एक रूल बना सकते हो, जब भी मैं स्विगी से 200 रुपये से ज़्यादा कुछ भी खरीदूंगा तो उसमें से एक्स्ट्रा 50 रुपया ये डायरेक्टली जाएगा फाई मनी में और वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे आप करोगे ना, अमेजन से अगर मैं 500 रुपये का खरीदूंगा तो उसमें से 100 रुपया जो है एक्स्ट्रा वो जाएगा फाई मनी में। तो ये एक रूल आप बना सकते हो और यहाँ पे स्मार्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये FIT रूल होता है, जो कि बेहतरीन रूल है। आप इसमें बहुत ही स्मार्टली सेव कर सकते हो। अब चौथा जो फीचर है वो क्या है, वो है कूल असिस्टेंट। कूल असिस्टेंट में बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा नॉर्मली जब भी आप अमेजन पे कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसकी डिटेल्स आ जाती है आपके मेल आईडी पर। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कूल असिस्टेंट के जरिए आप पता लगा सकते हो कि आपका खर्चा कितना हुआ है एक महीने में। तो बेसिकली आपकी मेल आईडी के साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा और उससे वो पता लगा देगा, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि दिसंबर महीने में या फिर अक्टूबर महीने में अमेजन से कितने रुपए का आपने सामान खरीदा है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि अमेजन से आपने कितने रुपए का सामान खरीदा है। तो आपकी मेल आईडी से ये फेच कर लेता है सारा डेटा और वहाँ से पता लगाता है, सम करके पता लगाता है कि अमेजन से आपने उस महीने में कितने की खरीदारी की है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया असिस्टेंट है। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको फाई मनी में देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली आपको ये सारे फीचर्स फ्री पे ही मिल जाते हैं और आपको सेविंग्स अकाउंट भी मिल जाता है, आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है और सब कुछ आपको फ्री पे मिल रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पर आप जाइए। उसके बाद बहुत ही इजीली 3 से 4 मिनट के अंदर ही अंदर आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, घर बैठे बैठे आपका सेविंग्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर और भी बेनिफिट चाहिए, आपको फुल KYC करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन में आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। फुल KYC में आपको बेसिकली वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी। वीडियो कॉलिंग में सामने एक ऑफिसर बैठा होगा, उसके सामने आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा और पैन कार्ड डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी और आपका फुल KYC भी हो जाएगा। सब कुछ घर बैठे बैठे 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके घर पर डेबिट कार्ड भी आ जाएगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे और उसके बाद आप इस सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल बहुत ही इजीली कर सकते हो। और आपको और एक जानकारी दे देता हूँ, फाई मनी जो है ये एक्स गूगल एम्प्लॉयज़ के द्वारा चलता है, यानी कि गूगल में पहले जो काम कर चुके हैं उन्होंने फाई मनी को बनाया है। तो बेसिकली पूरी तरीके से ये सेफ है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फाई मनी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।